दोस्तों आपका स्वागत है तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम केबल टीवी का पावर सप्लाई में क्या क्या वोल्टेज होता है हम इसका डिटेल्स निकालेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मेट्रो कंपनी का एक पावर सप्लाई ले लिया, इसमें लिखा है 35 वोल्ट आउटपुट, ठीक है, डीसी पावर सप्लाई है। ये केबल टीवी में यूज होता है, डीसी पावर सप्लाई है। और ये है शर्प विजन, मॉडल नंबर है। इसमें आउटपुट है डीसी सप्लाई 40, ठीक है। इस इनपुट 110 270 फुट निकलेगा, 40 डीसी, ठीक। अभी हम इसको खोलेंगे, ये दोनों को पहले इसको खोलेंगे, उसके बाद इसको खोलेंगे, ठीक है। मेरे दोस्त ने कमेंट किया, उन्हें पावर सप्लाई का हर डिटेल्स चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने दोनों को ओपन कर लिया, ठीक है। अभी हम ये दोनों का जो किट है दोनों को निकालेंगे, उसके बाद इस साइड देंगे, ठीक है। निकालिए स्क्रू, इधर स्क्रू ना होगा। ये दोनों में देखिए नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन होता है, हम करीब से दिखाते हैं। ये देखिए ये जो कॉइल है, ये कॉइल से पॉजिटिव निकलता है, ये काले तार से, ये ब्लैक वाले तार से नेगेटिव निकलता है। यह है इनका, यहाँ से आउटपुट निकलता है नोड के लिए। और ये RF सिग्नल कोई भी टीवी में हम इसको बोर्ड को निकाल लेते हैं पहले। इसको हम अभी खोलेंगे, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें, उसका पूरा हम डिटेल्स निकालेंगे, कहां से कहां क्या वोल्टेज रहता है, ठीक है। यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन रहता है आउटपुट, ये हमने खोल दिया। ये देखिए ये वाला, और जो ये कॉइल रहता है, ये कॉइल इसका आउटपुट पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, ठीक है। इसमें से 40 वोल्ट निकलता है, ये दोनों स्क्रू रहता है इधर, यहाँ पे भी एक स्क्रू है, देखिए ये हमने दो स्क्रू निकाल दिया। ये देखिए इसका किट बाहर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसका हम पहले एसटीआर को खोलेंगे। स्टीयर में एक हीट सिंक रहता है और यार चार लेग रहता है स्टीयर का, इसको हम निकालेंगे।
बाहर के नॉइस के लिए सॉरी, बाहर में कुछ काम चल रहा है, म्युनिसिपैलिटी का कोई काम चल रहा है, इसीलिए आपको आवाज़ आ रही है तरह तरह के। देखिए ये हमने एसटीआर को रिमूव कर दिया, थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको साफ कर लिया। ये है एसटीआर का, इधर चार लेग होता है, एक दो तीन चार, ठीक है, ये चार लेग होता है एसटीआर का। ये देखिए इसमें ये वाला एसटीआर रहता है, FL0380R, ये एसटीआर रहता है, ठीक है। ये हमारा एसटीआर है। इस एसटीआर को पहले हम चेक करेंगे, एसटीआर शॉर्ट होगा तो बीप का आवाज़ आएगा, मैं बीप में डाल दिया। देखिए ये कोई बीप नहीं कर रहा है, हम इसको प्रॉपर उल्टा कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी हम इसमें लाइन देंगे और देखेंगे कहाँ क्या क्या वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। हम इसको पहले सीरीज बल्ब लगाएंगे। ये हमने सीरीज का बल्ब ले लिया, कनेक्शन ले लिया, थोड़े उधर मेरा बल्ब रखा हुआ है थोड़ा ऊपर। हम इसका पहले इसका फ्यूज़ निकाल देंगे, हमने फ्यूज निकाल दिया। फ्यूज की जगह हमेशा इसको लाइन देने से पहले, काम करने से पहले सीरीज लाइन जरूर लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है ये। अगर कोई शॉर्ट होगा तो बल्ब जलेगा, अगर कोई शॉर्ट नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सीरीज बल्ब इसमें प्रयोग जरूर कीजिए। ये हमने बल्ब लगा लिया, अभी हम इसको लाइन देंगे। ठीक है, मैंने इसमें लाइन दे दिया। अभी हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, इनपुट वोल्टेज आया कि नहीं। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। देखिए 240 वोल्ट, 230 वोल्ट ऐसे शो कर रहा है, ठीक है। हम इसका एसी चेक करेंगे, ये हमारा एसी का इनपुट है। देखिए हम इसका एसी चेक करेंगे, ये देखिए 204 वोल्ट हमें इनपुट में मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा एसी वोल्टेज है। और हम अभी चेक करेंगे डीसी वोल्ट, डीसी वोल्ट के लिए हमें मीटर को सिलेक्ट करना होगा। ये हमारा डीसी वोल्ट में आ गया। अभी हम ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है,
देखिए 281 वोल्ट 281 वोल्ट हमारा कैपेसिटर में मिल रहा है। इधर हमारा ये कैपेसिटर है, इसमें इधर नेगेटिव है, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। ये पॉजिटिव जा करके इधर एसटीआर में इनपुट होता है, ठीक है, एसटीआर में इनपुट होता है। ये देखिए हमने नेगेटिव पकड़ लिया, ये हमने 281 वोल्ट हमें इधर मिल रहा है। उसके बाद एसटीआर का पिन में आएगा 280, इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, देखिए ये रजिस्टर लगा हुआ है, इससे हमें मिल रहा है कितना 27.23 वोल्ट। ये रजिस्टर अगर ख़राब होगा तो ये एसटीआर ऑन नहीं होगा, ठीक है, ये रजिस्टर ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें रजिस्टर लगा हुआ है कितने किलो का हम आपको बताते हैं, ये देखिए ये रजिस्टर रहता है, इसमें कलर है, येलो वायलेट येलो गोल्डन, ये है आपका हाफ वाट का रजिस्टर है, ठीक है, हाफ वाट का रजिस्टर इसमें लगता है, ये कभी ख़राब हो गया तो भी पावर सप्लाई काम नहीं करेगा, ठीक है। ये रहता है 4K7 रजिस्टर, ठीक है, 4K7 आपको लिख लेना चाहिए, 4K7 रजिस्टर रहता है। ये देखिए इसका कलर है, हम थोड़ा लाइट बंद कर देते हैं तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए ये इसका लाइट है, ये देखिए 4K7 का रजिस्टर है, मतलब 4.7 भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, हाफ वाट का रजिस्टर है, ठीक है। अभी हम लाइट जला देते हैं, अच्छा हमने रजिस्टर का वैल्यू बता दिया, अभी हम इसमें चेक करेंगे, ये हमने नेगेटिव प्रोब इधर रख दिया, ठीक है, अभी हम ये तो पहले आपको दिखा चुके हैं, इसमें 27 वोल्ट इन होना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। अच्छा इसमें से यहाँ पर एक डायोड रहता है, इससे भी आपको सेम वोल्टेज आएगा। इस ड्राइवर के इधर में कॉइल है, देखिए इसमें भी अभी 27 वोल्ट हम दिखा चुके हैं आपको, ठीक है। अभी हम ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हमारा यहाँ से आकर के यहाँ पर एक कॉइल है, इस कॉइल से पार होकर के इसमें आएगा इनपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सही है, एक ही है, मतलब ये ड्राइवर का इनपुट है, ठीक है। इसमें इस वोल्ट जा कर के एसटीआर में लगेगा, ये देखिए एसटीआर का इस पॉइंट में है वोल्टेज है, ये फ्लक्चुएशन वोल्टेज हमको मिल रहा है, इधर ड्राइवर से फ्लक्चुएशन वोल्टेज निकलता है, ये फ्लक्चुएशन वोल्टेज हमको चाहिए चाहिए, नहीं तो हमारा पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये फ्लक्चुएशन वोल्टेज है, देखिए 9.99 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है, 9.92, ऐसे थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होता है, ये जो ऑटो कपलर है, ये ऑटो कपलर हमारा इस ड्राइवर के इस पॉइंट से थोड़ा इसमें थोड़ा सा वोल्टेज इसमें देता है तभी ये स्टेयर ऑन होगा, ठीक है। हम अभी इसको चेक करेंगे,
इधर देखिए एक ये आउटपुट है, ये आउटपुट एरिया है। अभी हम इधर चेक करेंगे, इधर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें भी वही वोल्टेज है। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर है, इसमें भी सेम वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ से स्विचिंग होकर के इधर से वोल्टेज निकलता है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट एरिया है, ये हमारा इनपुट एरिया है, ठीक है। पहले आपको इनपुट ठीक करना होगा, उसके बाद ही आउटपुट निकलेगा, ठीक है। ज़रूरी है इनपुट आपको ठीक करना ही करना है, इसको सही कीजिए पहले, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो डायोड है, ये चार डायोड इधर शॉर्ट होने से फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है। फ्यूज़ उड़ जाता है, हम इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। अभी लाइन स्टॉक में है इसका, इसको हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। ये देखिए स्टॉक में था, हमने डिस्चार्ज कर दिया। अभी हमें हाथ इसमें हाथ नहीं लगा, हाथ देने से कोई शॉक नहीं होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसमें ये सब, ये जो पीएफ है ये भी शॉर्ट होता है, ये भी शॉर्ट होता है, ये ड्राइवर भी चला जाता है। ये ड्राइवर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर जम्पर लगा देने से भी चलेगा। इधर देखिए, और ये सब पीएफ खोल देने से भी चलेगा, ठीक है। हमें चाहिए ये चारों डायोड है ना, ये चारों डायोड आपको ठीक सही चाहिए, उसके बाद ये फिल्टर भी सही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एसटीआर भी चाहिए। एसटीआर अगर ख़राब है तो भी लाइन ब्लिंकिंग करते रहेगा, इसका जो आउटपुट बल्ब है एलईडी है ये ब्लिंकिंग करते रहेगा, वोल्टेज सही से नहीं देगा। उसके बाद ये देखिए ऑप्टो कपलर है, ये देखिए ये ऑप्टो कपलर है, और ये ट्रांजिस्टर है 431 ट्रांजिस्टर है, ये 431 ट्रांजिस्टर है। देखिए हम इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए 431 ट्रांजिस्टर है और ये ऑप्टो कपलर है। देखिए 817 का ऑप्टो कपलर है इसमें लगा हुआ है, और इसमें ये जीनर है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, ट्रांजिस्टर है, देखिए ये 431 ट्रांजिस्टर है, और ये 817 का ऑटो कपलर है। ये हमारा 817 का ऑटो कपलर है, और ये 104 पीएफ है। ये दोनों, ये और ये सेम नंबर है इसका 104। ये दोनों, ये अगर शॉर्ट होगा ये भी शॉर्ट हो सकता है, और ये भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। ये अगर शॉर्ट होगा तो भी पावर सप्लाई ये आउटपुट वोल्टेज नहीं निकालेगा, ठीक है। इसको भी चेक कीजिएगा, इसको भी चेक कीजिएगा। अगर ये ख़राब होगा तो शॉर्ट दिखाएगा, बजर में शॉर्ट दिखाएगा, ठीक है। बर्जर जो मीटर में जो बर्जर होता है उसमें शॉर्ट दिखाएगा। और इसमें एक डायोड है, ये देखिए 4148 का डायोड है, ये 4148 डायोड, और ये 10 ओम्स का रेजिस्टर है, ठीक है। और इधर एक डायोड है, और इधर एक डायोड है, ये देखिए दो डायोड है, ये 4007 डायोड है, दोनों 4007। ये डायोड शॉर्ट हो सकता है, और ये हमने जो बताया था 4.7 के रेजिस्टर, और ये 10 ओम्स का रेजिस्टर, ठीक है। ये इसके कारण से, ये चीज़ के कारण से हमारा पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रहा। अगर ये ख़राब होगा तो हमारा वोल्टेज सही से निकलेगा नहीं, इसमें आएगा 50 वोल्ट 45 वोल्ट ऐसे निकलेगा। अगर ये ख़राब होगा हमें चाहिए 40 वोल्ट, इसमें से ये दोनों तार में से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये दोनों में से 40 वोल्ट
माइनस प्लस निकलेगा, ठीक है। ये रजिस्टर है 1K का, ठीक है। ऐसे सब कुछ नंबर इसमें दिया हुआ है। देखिए हमारा इनपुट सही होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, तभी हमारा आउटपुट निकलेगा, ठीक है। हमारा आउटपुट तब निकलेगा। ये हमारा देखिए इधर, ये देखिए ये वाला डायोड है, ये डायोड है, इसमें देखिए ये वाला जो दो बीच का जो पॉइंट है ये आउटपुट है, और ये दोनों इनपुट है। देखिए ये दोनों इनपुट है, ये डायोड ये भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। ये सप्लाई कभी कभी, ये देखिए ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमारा इधर डायोड में से आता है, ठीक है। इधर क्या होता है, ये जो स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू का छेद है, इसमें क्या है, इधर थोड़ा जल जाता है। जल जाने के बाद देखिए ये जो इधर में जो पॉइंट है, ये जो स्क्रू लगता है, यहाँ पर बिजली गिरने से यहाँ पर शॉर्ट होता है, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट होकर के ये लाइन जल जाता है, ठीक है। ये लाइन हमारा जल जाता है। लाइन जलने के वजह से ये हमारा रजिस्टर उड़ जाता है, और रजिस्टर के उड़ने के बाद ये हमारा ऑटो कपलर भी उड़ जाता है, ठीक है। ऑटो कपलर उड़ने के बाद ये भी खराब हो जाता है, ये भी खराब होने के बाद हमारा स्टेयर भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऐसे सब कुछ हमारा ऐसे ख़राब होता है, ठीक है। देखिए हमने इसका वोल्टेज सबको बता दिया, यहाँ से ये दोनों है, इसका एसी वोल्टेज आउटपुट होगा। हमें तो एसी नहीं चाहिए, हमें डीसी वोल्ट चाहिए, ठीक है। इसके वजह से इधर ये डायोड लगा हुआ है, इधर ये 3 पॉइंट वाला डायोड है, ठीक है। ये 3 पॉइंट वाला डायोड हमें इधर लगाना है। ये थोड़ा गर्म होता है, इसीलिए इसमें हीट सिंक लगा रहता है, ठीक है। ये देखिए इधर ये जो आउटपुट वोल्टेज निकालने वाला, ये देखिए इधर 10 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें से वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लगा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, ये हमारा आउटपुट लाइन है यहाँ पर, और यहाँ से एक नीले रंग का PF लगा हुआ है, ठीक है। ये भी ख़राब होता है, ये रेजिस्टेंस भी ख़राब होता है। ये 10 ओम्स का रजिस्टर है, ठीक है, और ये हमारा इंडिकेटर है जो वोल्टेज पावर सप्लाई ऑन हुआ कि नहीं जो बताता है ये LED, ठीक है। ये देखो ये कैपेसिटर भी है 47 MFD का है, ठीक है। यह है इसका डिटेल्स। अगर इसके बारे में किसी को अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं, हम इसको ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारे आते हैं, हमारे यहाँ का लोकल केबल ऑपरेटर, वो लोग हमारे पास ये सब लेके आते हैं रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिए। इसमें निकलता है 40 वोल्ट, ये 40 वोल्ट का ड्राइवर लगा हुआ है, और ये जो मेट्रो का मैंने बोला था, ये मेट्रो कंपनी का है, इसमें निकलता है 33 वोल्ट। मतलब इसका ड्राइवर और इसका ड्राइवर थोड़ा डिफरेंस है, इसमें कॉइल में थोड़ा डिफरेंस है, काम एक ही है, इसका कैटेगरी सब एक ही है, सब कंपनी का एक ही कैटेगरी होता है, ड्राइवर की थोड़ा डिफरेंट होता है ड्राइवर। ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर ये ड्राइवर खोल करके मैं ये ड्राइवर इसमें लगा दूँ तो भी इसमें भी 40 वोल्ट निकलेगा, ठीक है। अगर ये ड्राइवर हमने इसमें लगा दिया तो इसमें 35 वोल्ट निकलेगा, ये 40 वोल्ट और ये 35 वोल्ट वाला, ठीक है। देखिए इसमें जो
आउटपुट पर कनेक्शन है, ये जो पीएफ लगा हुआ है, ये पीएफ शॉर्ट होने के वजह से, बिजली गिरने से ये पीएफ शॉर्ट होता है, ठीक है। ये पीएफ हमको 4711 के का 1 KV का पीएफ हमको लगा देना चाहिए, ठीक है। ये देने से हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए 4711 KV, ठीक है। ये देखिए चारों सेम है, तीनों सेम है, ये देखिए 4711 KV, ये हमारा गेन निकल रहा है। इसमें से आउटपुट निकलेगा, ये हमारा आउटपुट वाला पॉइंट है, ये हमारा टीवी में जाता है डायरेक्ट। इसमें सेटअप बॉक्स लगाने से, इस पीएफ की वजह से, इसमें इनपुट से इसमें गेन आएगा, ठीक है, इनपुट से गेन आएगा। ये हमारा केबल इन है और ये हमारा टीवी आउट है। तो हम इसको अभी इसका एसटीआर लगाएंगे, एसटीआर लगा कर के हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। ये क्या प्रॉब्लम है, आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लंबा हो गया है, इसका हम स्क्रू लगा देंगे। इधर एक स्क्रू रहता है, जो एसटीआर का हीट सिंक रहता है, इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। इसको थोड़ा साफ कर देंगे, ये देखिए हमने इसका एसटीआर और हीट सिंक दोनों लगा दिया। इधर चार लेग होता है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारा चार लेग होता है। अभी हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, ये चालू है या बंद है देखते हैं। अगर चालू होगा तो हमारा एलईडी ग्लो करने लगे, इसको हम अभी लाइन देंगे। अगर ये चालू होगा तो एलईडी ग्लो करेगा, देखिए इसका एलईडी ग्लो कर रहा है, लाइट मैंने बंद कर दिया, देखिए एलईडी पूरा ग्लो कर रहा है। अभी हम इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है आपको दिखाते हैं, देखिए ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, ये देखिए 39.95, मतलब 40 वोल्ट इसमें से निकल रहा है, ये 40 वोल्ट पूरा निकल रहा है, मतलब
ये पावर सप्लाई एकदम ओके है। इसको हम अभी आपको दिखाते हैं वोल्टेज कहाँ से कहाँ क्या निकलता है। देखिए ये हमने नेगेटिव ले लिया, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। ये देखिए 268 वोल्ट इसमें से आ रहा है। अभी हमें इस पॉइंट पर चेक करना है, देखिए 18 वोल्ट लोड देने के बाद 18 वोल्ट आ गया। इसमें क्या कितना आ रहा है देखिए 3.7 वोल्ट यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर ऑटो कपलर के पॉइंट में 3.7.5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 3.03 0375 वोल्टेज हमें शो कर रहा है। अभी हम इसमें इधर नेगेटिव लगाएंगे, इधर देखेंगे कितना वोल्ट। ये देखिए ऑटो कपलर का आउटपुट में 38.70 वोल्ट, इसमें 37.63 वोल्ट। ठीक है, ऐसे हमारा निकलना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। इधर आउटपुट में देखिए, ये आउटपुट में हमने दिखा रहा है कि जो डायोड है इस डायोड का 20 में से निकल रहा है 39.93। ठीक है, एकदम सही से आपको जानकारी दे दिया। थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों से फॉरवर्ड कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अंत तक देखिए। थैंक यू।